अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेर। जैसा कि हमारा सेशन चल रहा है इंग्लिश ग्रामर और ब्रिटिश में स्पीकिंग के हवाले से, आज हमने टॉपिक उठाया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, उसकी पहचान क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ये हमारी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी पहचान यही है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान यही रहेगी, मगर इसमें एडिशन क्या होगा, इसमें वक्त का तायुन बताया जाएगा, कितने अच्छे से काम कर रहा था, कब से काम कर रहा था, यानी उसमें टाइम पीरियड जब मेंशन हो जाएगा तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस शो हो जाएगा। अगर हम इसमें टाइम पीरियड नहीं शो करेंगे तो टेंस तो बन जाएगा, काम तो हो जाएगा, मगर वो उसमें जो मिठास होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए इसमें यूज़ होता है सिंस और फार का यूज़ होता है। अब इससे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा हाल होना चाहिए कि सिंस और फार कहाँ पर यूज़ होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत सी टेस्टों में भी ये चीज़ आती है, मगर हम इसका पहले फर्स्ट स्टेप में इसका सिर्फ इनिशियल लेवल पे यानी थोड़ा सा हाउ नो करेंगे, यानी क्या कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, डिटेल में इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। फार कहाँ पर यूज़ होता है, पीरियड ऑफ टाइम, कहीं पर वक्त बताया जा रहा हो, पीरियड ऑफ टाइम उसमें हम फार यूज़ करेंगे, यानी नंबर्स हों, तादाद हों, एक दिन, दो दिन, तीन दिन से, या चार दिन से, या पाँच दिन से मैं काम कर रहा हूँ, चार घंटे से काम कर रहा हूँ, उसमें यह पाँच मिनट से काम कर रहा हूँ, ठीक है, पाँच मिनट तक काम कर रहा हूँ, पाँच मिनट से काम कर रहा था, तीन हफ्तों से काम कर रहा था, चार दिनों से काम कर रहा हूँ, चार दिनों से खाना खा रहा हूँ, चार दिनों से हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, यानी जो जो काम हो रहे हैं ये इसमें ये टाइम पीरियड आ जाएगा, सिक्स मंथ, फोर ईयर्स, थ्री सेंचुरीज, अ लॉन्ग टाइम अगो, एवर वगैरह, ये चीज़ें जब आ जाएंगी कहीं पर सेंटेंस में आ जाएँ या कहीं पर यूज़ करें तो ये चीज़ें आएँ तो आप उन पर फार यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं चार घंटे से काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पाँच मिनट से काम कर रहा हूँ, मैं पाँच मिनट से पढ़ रहा हूँ, मैं पाँच मिनट से खा रहा हूँ, ठीक है, या मैं छः महीने से यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, या चार सालों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है। अब सिंस कहाँ पर यूज होगा, स्टार्टिंग टाइम हो यानी पर्टिकुलर टाइम बताया जा रहा हो, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम हो, डेट होगी 5 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी, 2 जनवरी, 9 बजे से, 4 बजे से, 3 बजे से। अब इसमें टाइम फिक्स बताया जा रहा है, ये टाइमिंग इसमें फिक्स बताया जा रहा है, इसमें फिक्स नहीं है, पाँच मिनट यानी फिक्स पता नहीं पाँच मिनट कौन से दे, यानी टाइम पीरियड मेंशन नहीं था हमें, इसमें टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, चार हफ्ते पता नहीं कौन से चार हफ्ते हैं, ठीक है ना, चार दिनों से कंफर्म नहीं, चार दिनों से कौन से पीरियड में आ रहा था। अब इसमें ये फर्स्ट यानी इसमें मेंशन होगा 1 जनवरी, डेट मेंशन होगी पर्टिकुलर, 1 जनवरी मंडे, दिसंबर 1992, 17,000, मॉर्निंग, इवनिंग, यानी पर्टिकुलर टाइम होगा इसमें पर्टिकुलर टाइम होगा, इसमें ड्यूरेशन हो जाएगा यानी पीरियड ऑफ टाइम बताया जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ें बेसिकल यानी इनिशियल स्टेज के लिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें आ जाएंगे तो फार्मूला क्या होगा, इसमें जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का आएगा सेंटेंस तो हमें फार्मूला होगा, सब्जेक्ट होगा, कोई भी काम करेगा सब्जेक्ट होता है हमारा, फाइल होता है, ठीक है, यानी कौन कर रहा है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, कौन, मिसाल के तौर पर ही। फिर हैव या हैज, हैव हम क्या करते हैं, आई वी यू दे के साथ हैव यूज़ करते हैं, और हैज ही शी इट के या सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज यूज़ करते हैं, ही के साथ यूज़ हो जाएगा हैज, ही हैज। फिर ये बीन यूज़ करेंगे, ही हैज बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, प्लस में आई एंग लगाएं, ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, Since morning, ठीक है, ये since लगा दिया हमने, फिर ये morning लगा लिया। Object कभी कभार पहले आता है या कभी कभार since या for पहले आता है, ये इसका issue नहीं है, ये हम sentence को देखकर इसको changing कर सकते हैं, इसका कोई issue नहीं है। ठीक है, He has been reading since morning, वो सुबह से लेकर रीडिंग कर रहा है, ठीक है, वो सुबह से रीडिंग कर रहा है, वो सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है। अब इसका interrogative बनाएंगे, सिंपल has को बाहर निकाल देंगे, has Has he been reading since morning? ठीक है, इंटरोगेटिव पे निशानी। अब इस पे नेगेटिव बनानी है, क्या करेंगे, सिंपल has के आगे not लगा लेंगे, he has not been reading since morning.
ठीक है, ये इसकी सिंपल हो गई। अब यहाँ पर कोई भी सेंटेंस आपके पास आ जाए, इंट्रागेटिव करेंगे तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे, नेगेटिव कर देंगे, इसके आगे नॉट लगा देंगे, ठीक है, और इसमें टाइम पीरियड आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। हाँ, हम वो जो है दो दिन से पढ़ा है तो यहाँ कर देंगे फॉर टू डेज, फॉर टू डेज, फॉर टू डेज, ठीक है। सिंस मंडे, अब सिंस लगाना है तो फिर कर देंगे सिंस मंडे, सिंस, ठीक है, सिंस मंडे। अब इसमें ये मंडे आ गया, पर्टिकुलर डे आ गया तो सिंस मंडे कर देंगे, अगर डेज आ रहा है तो फार कर देंगे, ठीक है। और इसमें आप लोग कर सकते हैं दूसरा कोई सेंटेंस बनाए, डॉक्टर दो दिन से मरीजों का चेकअप कर रहा है, फार टू डेज द डॉक्टर, द डॉक्टर हैज बीन, has been treated, treating treating the patient patient for 2 days, for 2 days, दो दिनों से डॉक्टर दो दिनों से मरीजों का इलाज कर रहा है, ठीक है। अगर इसकी इंट्रोगेटिव करनी है तो क्या करेंगे, has को बाहर निकाल देंगे, has Has the doctor been treating the patient for 2 days? क्या डॉक्टर दो दिनों से मरीजों का चेकअप कर रहा है, ठीक है, डॉक्टर दो दिनों से मरीजों का चेकअप नहीं कर रहा है तो क्या कर देंगे, has के आगे not लगा देंगे, the doctor has not been treating the patient for 2 days, ठीक है। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस बनाएंगे हम लोग, इसकी प्रैक्टिस करें। इसमें मेन चीज होती है सिंस और फार, बाकी ये सिंपल है, सेम चीजें हैं, जैसे हमने भी टेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं वैसे ही है, आसान चीजें हैं, जो भी आपके पास है आप लोग खा रहे हैं, आप कह सकते हैं मैं सुबह 8 बजे से खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग ईटिंग सिंस सिंस 8 o'clock, ठीक है, मैं सुबह को 8 बजे से खा रहा हूँ। तो अब इसमें इंट्रोगेटिव करेंगे तो हैव को बाहर निकाल देंगे, हैव आई बीन ईटिंग ईटिंग सिंस 8 o'clock, ठीक है, सिंपल चीजें इंट्रोगेटिव की निशानी लगा लेंगे। नेगेटिव करनी है तो सिंपल, आई हैव नॉट बीन, ठीक है, आगे सेंड रखा देंगे, सिर्फ इसके आगे हम नॉट कर देंगे, सिंपल चीजें हैं। हाँ, अगर आप लोगों को कोई दूसरी चीज करनी है, यानी आपको मैंने बता दिया है, अब असलम आ जाता है, असलम, असलम के साथ क्या यूज होता है, हैज होता है, असलम हैज, असलम हैज बीन, असलम क्या कर रहा है, अब उसके बारे में जो बताएंगे आगे सेंटेंस लिख लेंगे आप, हैज बीन वॉकिंग, असलम हैज बीन वॉकिंग, वॉकिंग, असलम हैज बीन वॉकिंग डेली डेली सिंस सिंस 7 AM, असलम रोजाना सुबह को 7 बजे वॉकिंग कर रहा है, ठीक है, सिंस 8 AM हम लगा लेंगे, डेली करता है मगर सिंस लगा दिया हमने 7 बजे के लिए, ठीक है, जैसे हमें पता चल जाएगा पर्टिकुलर टाइम के लिए हम ये लगा लेंगे, बाकी जो तादाद होंगे नंबर होंगे उसमें हम फार लगा लेते हैं, ठीक है। अगर दूसरा कोई सेंटेंस आपके पास आ जा रहा है तो आप सिंपल उनके साथ कर देंगे, जब इंट्रोगेटिव करेंगे तो हैज को बाहर निकाल देंगे। आई होप तो आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा, सिंपल चीजें सिंस और फार को हम आगे चल के इसको डिफाइन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर टेस्टों में सवाल आते रहते हैं इसमें से, कहाँ पर सिंस होगी यूज और कहाँ पर फार यूज होगा और सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान मैंने बता दी है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं हैव और हैज, प्लस में बीन यूज रहेगा, प्लस में आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कभी कभार इधर चला जाता है आखिर में, कभी कभार ये पहले आ जाता है, इसका वो सेंटेंस को देख के कोई इशू नहीं है, आगे पीछे हो जाता है, ये हमारा इनिशियल स्टेज है, अगर इसमें आपके यहाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी कोई इशू नहीं है, आप प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए फायदा रहेगा। आई होप कि आपके आज का समझ में आया होगा, अगर इसमें कोई
सवाल वगैरह है, कोई बात समझ में नहीं आ गया है, तो आप लोग हमें कमेंट करें, हम आपकी रेनवाई करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेयर पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक मौसूल हो सके। आपकी कोशिश ये रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ सेंटेंस यूज़ करें, मुख्तलिफ वर्ब लेके आएँ, यहाँ पर वर्ब लेके आएँ, मुख्तलिफ वर्ब यूज़ करके आप सेंटेंसेस बनाएं।